कोविड-19 के संकट काल में लाखों मजदूरों ने अपने गाँव की ओर रुख किया। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की थी। इसी कड़ी में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। आज बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले में भी श्रमिकों को मनरेगा के तहत उनके ही गाँव या उसके आसपास ही काम देकर उनको राहत दी है। किसान कुशवाहा है, पहाड़ी तिलवान के टीकमगढ़ जिला के बगीचे में काम कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत में यहीं काम मिला है, पने परवा को यहीं पाल रहे हैं कि मेरी पंचायत में काम चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है पंचायत में। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, पीएम मोदी जी को। टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर सुभाष द्विवेदी बताते हैं कि जिले में कोरोना काल में श्रमिकों के लिए प्रति व्यक्ति 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए वर्तमान में जिले में विभिन्न विभागों के 4016 कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसके तहत 1,50,000 दिवस कार्य देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक 3,40,000 दिवस का कार्य मजदूरों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें हमारा लक्ष्य है 125 दिनों में लगभग 15.5 लाख मानव दिवस इनको उपलब्ध कराने का, और उसमें अभी तक 3,40,000 मानव दिवस विभिन्न श्रम मूलक कार्यों में हमने उपलब्ध कराया है। वहीं जिला पंचायत के सीईओ सुदेश कुमार मालवीय ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 200 सामुदायिक सुरक्षा भवन, 60 ग्राम पंचायत भवन, 30 आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास, वर्षा जल के संरक्षण के लिए खेत तालाब, कैटल शेड निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिए 330 हितग्राहियों का भी चयन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिले में 200 सामुदायिक स्वच्छता परिषद बन रहे हैं, जिसमें लगभग सभी में काम चालू है। इसके अतिरिक्त 60 हमारे पंचायत भवन चल रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल ने न केवल उन गरीबों और उनके परिवार को एक संबल प्रदान किया, बल्कि पलायन के चलते उजाड़ हो चुके बुंदेलखंड के इन गांव में एक बार फिर रौनक लौट आई है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, भोपाल।